अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज जो है ना, मैं एक बहुत ही छोटा दूरबीन लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी में है और बहुत ही मतलब अच्छा रिज़ल्ट है इसका। इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी है और दूसरी बात, इसकी फील्ड ऑफ व्यू वो बहुत अच्छी है। तो आज जो है ना, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि ये किस तरह की दूरबीन है। दोस्तों, इसकी अगर हम लोग पावर की बात करें तो पावर जो है इसकी 8x है, और इसकी अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें तो वो जो है ये वाले जो बड़े वाले, ये जो है तकरीबन 20 mm है, यानी 8x इसकी पावर है, 20 mm इसकी ऑब्जेक्टिव लेंस है, और फील्ड ऑफ व्यू इसकी बहुत अच्छी है। फील्ड ऑफ व्यू जैसे इस पर लिखी हुई है 8.2, ये इसकी फील्ड ऑफ व्यू है, यानी एक छोटा दूरबीन और इतनी बड़ी फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ये बहुत ही अच्छा है देखने में। यानी आप लोगों को जो एरिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एरिया मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ना, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसको कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। और इसकी इमेज क्वालिटी की बात करें तो इमेज क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है, मैंने इसको चेक किया है, यानी बहुत अच्छी इमेज क्वालिटी ये दे रहा है। और दोस्तों, इसकी अगर हम लोग साइज़ की बात करें तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी साइज़ बहुत छोटा है, बहुत छोटा दूरबीन है। और दोस्तों, इसकी अगर हम लोग ये मॉडल की बात करें कि ये कौन सा मॉडल है, तो ये जो है ये पोरो प्रिज्म है, ठीक है, लगता तो वो है रूप प्रिज्म, लेकिन रूप प्रिज्म नहीं है, ये पोरो प्रिज्म है। और दोस्तों, इसकी अगर हम लोग ब्रांड की बात करें तो ब्रांड ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोकस्टोन, ये ब्रोकस्टोन कंपनी ने बनाया हुआ है। और इसकी मतलब अगर हम लोग मेड इन की बात करें तो इसकी जो मेड इन है वो जापान है, यहाँ पर लिखी हुई भी है, ये आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ऐसा बात यह है कि ये बहुत छोटा दूरबीन है, आप लोग देख सकते हैं, मतलब बहुत ही स्मॉल है, स्मॉलेस्ट साइज़ हम लोग कह सकते हैं। और इसकी पावर भी अच्छी है, 8x पावर में, और फिर ये 8.2 इसकी फील्ड ऑफ व्यू। तो इसकी ये जो स्पेसिफिकेशंस है ना, ये बहुत अच्छे है। तो दोस्तों, अभी इसकी टेस्ट वीडियो भी बनाएंगे, इसकी जूम टेस्ट देखेंगे और फील्ड ऑफ व्यू भी देखेंगे। और दोस्तों, ये आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो है इसके एडजस्टर है, इससे ये फोकस हो जाती है, और राइट आई की जो एडजस्टर है वो, जैसे मैंने पहले भी वीडियोज में बताया हुआ है, वो ये है, इसके घुमाने से ये फोकस हो जाती है। तो दोस्तों, जाते हैं इसकी टेस्ट वीडियो की तरफ, इसकी एक टेस्ट वीडियो बनाएंगे ताकि देख सके कि इसकी किस तरह की रिज़ल्ट है। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जो है ना, ये सामने वाले जो पहाड़ है इसको देख लेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी इमेज क्वालिटी और फील्ड ऑफ व्यू इसकी बहुत बड़ी है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया जो है ना कवर कर रहा है। अच्छा, इस सामने वाली बिल्डिंग को भी देख लेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ी है, देखो कितना ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं।
ये मैंने बिल्डिंग पे फोकस किया हुआ है। और दोस्तों ये जो पहाड़ है, ये सामने बड़ा पहाड़, इसको भी देख लेंगे। अच्छा इसकी वो मैं इसको फोकस करता हूँ यहाँ पे। अच्छा ये जो पहाड़ है ऊपर वाला, ये मैं देख लूँगा। असल में ये कैमरा जो है ना, इसको सही नहीं फोकस कर रहा है, क्योंकि आईपीस, हर दूरबीन के ये जो आईपीस की जो रबड़ होते हैं उसमें फ़र्क होता है ना, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। अगर बहुत बड़ा हो ना तो भी कैमरा उसको फोकस नहीं करेगा, अगर बहुत छोटा हो तो उसको भी फोकस नहीं करे। लेकिन ये कि इस दूरबीन की रिज़ल्ट बहुत अच्छी है, मैंने इसको चेक किया हुआ है, ये ओरिजिनल जापान का ही, आप लोग देख सकते हैं इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो बहुत बढ़िया है। ये मैं ये सामने वाले जो पहाड़ इसको भी देख लूँगा, ये वाला, ये एक मिनट में इसको चेक करता हूँ, फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा एरिया जो है ना कवर कर रहा है। अच्छा ये जो बिल्डिंग है सामने वाला, इसको भी मैं फोकस करता हूँ। ये मैंने फोकस कर दिया, ये जो बिल्डिंग है इस तरफ, ये जी ये जो है ना, आप लोग इसके इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा एरिया आप लोगों को दिखा रहे हैं। और भी जो वीडियोस मैंने डाले उसमें चेक करके आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा एरिया जो है ना आप लोगों को दिखाता है। और अभी इस पहाड़ को भी फोकस करेंगे, मैं इसको फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ये जो पहाड़ ये मैं आप लोगों को एक व्यू दिखाता हूँ। ये जो पहाड़ है ये आप लोगों को मेरे और वीडियोस चेक करने से पता चल जाएगा कि उसमें ये कितने फील्ड ऑफ व्यू है और इसमें कितना, ये आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत साफ दूरबीन है, ये जो है ना इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी एक व्यू देख लेंगे इस एरिए को। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। और अगर आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया है तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।